नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इन दिनों आनंद मोहन सुर्खियों में है। पूर्व सांसद आनंद मोहन सुर्खियों में है। उनकी रिहाई की जो मांग है वो अब लगातार उठने लगी है। आज बिहार विधानसभा में उनके बेटे चेतन आनंद ने भी आवाजें बुलंद की है और उनकी रिहाई की मांग करने लगे। आपको बता दें कि आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं जो कि सजायाफ्ता हैं और उनकी रिहाई की बातें जो है वो लगातार चल रही है। आपको बता दें कि आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय में बाद में उन्हें उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई। अब ऐसे में जो लगातार बातें हैं वो सामने आ रही है कि आनंद मोहन को रिहा किया जाए। तमाम जो नेता हैं वो आवाज खड़े कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें आखिरकार जो रिहाई है वो क्यों नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि आनंद मोहन ने भी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया था। साफ तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार उन्हें निकलने नहीं देना चाहते हैं। वैसे में आज बिहार विधानसभा में भी बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था। आपको बता दें आज आखिरी दिन था और ऐसे में आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने सवाल पूछा, सवाल खड़ा किया कि उन्हें रिहाई क्यों नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में कई नेता, पहले भी कई नेता जो हैं वो इस पर सवाल पूछ चुके हैं। उन सभी का कहना है कि आनंद मोहन को रिहा किया जाए। जदयू के भी कई विधायकों का मानना है कि आनंद मोहन को रिहा किया जाए। ऐसे में जब आज जदयू के एमएलसी संजय सिंह के घर पर, आज उनके आवास पर जब राजपूत समुदाय की बैठक थी, राजपूत नेताओं की बैठक थी, उसमें हमने बातचीत की है जदयू के राजपूत नेता राणा रणधीर चौहान से। उनसे जब हमने सवाल की कि क्या आनंद मोहन को बिहार के मुखिया नीतीश कुमार नहीं निकलने देना चाहते, ऐसा आरोप आनंद मोहन ने लगाया है, तो इनका क्या कुछ कहना था, जरा एक बार आप वो सुनिए। देखा जाए, ये कानूनी बात है, ये हम उसके तह में जाना नहीं चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी पर जो भी आरोप लग रहा है आनंद मोहन जी के नहीं निकलने का या फंसाने का, वो सब मनगढ़ंत है। जिस समय उन पर मुकदमा हुआ उस समय किनका राज था, किनकी सरकार थी और किन्होंने FIR कराया, और बाकी रहा कि अभी निकलने नहीं देने की बात है, तो बिल्कुल ये कानूनी प्रक्रिया है, ये जुडिशली का मामला है। उसमें नीतीश कुमार जी या दूसरे लोग नहीं चाहेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आपने राणा रणधीर चौहान को सुना जो साफ तौर पर कहते दिख रहे हैं कि ये मामला काफी पुराना है और जिस वक्त ये मामला आया था उस वक्त किसी और की सरकार थी और इसमें नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। आपको बता दें कि आनंद मोहन इन दिनों बिहार में सुर्खियों में है, उनके लिए आवाजें उठने लगी हैं। उनके बेटे चेतन आनंद जो कि विधायक हैं, राजद के विधायक हैं, उन्होंने आज विधानसभा में आवाज उठाई है, उनकी रिहाई की मांग की है। तेजस्वी यादव भी पहले मांग जो है वो लगातार करते रहे हैं। वैसे में आज जब हमने जदयू के नेता से बात की तो आपने सुना है कि वो क्या कुछ कह रहे थे। हम आपको आगे भी तमाम अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।